क्योंकि यार जो दुख की घड़ी है या केवल एक परिवार की के लिए संकट की घड़ी नहीं है, ये संकट की घड़ी सारे गांव पे और सारे पूरे इलाके पे संकट की घड़ी है। क्योंकि अपने गांव के तो भाईचारे इतने मजबूत होया करें कि इस टाइप की वारदात तो कदे सुनिए को नहीं। और जो पिछले 15 दिन में 2 वारदात हुई और संगीन जो वारदात करने के तरीके हैं वो बड़े संगीन और बड़े दर्दनाक तरीके की, जो दोनों की दोनों घटनाएं घटी हैं बहुत दर्दनाक हैं। इनका तरीका बहुत दर्दनाक है जो शायद किसी भी आदमी ने चौंका सकता है। जब यो मामला होया तो मेरे पास विनय भाई का फोन आया, विनय कबड्डी का खिलाड़ी यार बन जाए। तो विनय ने मेरे को बताया कि भाई आपने एक मामला का पता है कि मैं भाई बता की बात है भाई बुडाना गांव से बोले मेरी मामी यूं यूं गई थी अब तक मिली नहीं। तो मैंने SHO से बात करी, SHO साहब बोले भाई साहब 5 मिनट में मैं बिट्टी करा दू हूँ, आप रिपोर्ट खातर भेज दो। मैं रिपोर्ट खातर भी शायद पहुंच लिए हूँ, 5-7 मिनट में आ जाएंगे। तो बिट्टी होगी, मेरी DSP से बात होगी, DSP साहब बोले भाई बिट्टी करा दी है और कोई कैमरे चेक करने, हम कैमरे चेक करने लग रहे हैं। अगले दिन मेरे ख्याल से दोपहर से की बात है कि उसका विनय का मेरे पास फोन आया, सुबह शायद 11-12 बजे के आसपास की बात है। तो उसने बताया कि भी नुनू एक बॉडी पार्ट मिला है, हमने शक है, आप एक बार फोन करो। मैंने SHO को बताया, SHO बोला भाई साहब 5 मिनट में गए, हमें थाने में बैठे हैं, सूचना कोई इस टाइप की आई नहीं, मैं इस पे हम जाऊँगा। सारा मामला आपकी निगरानी में है, जो भी बात हुई उसके बाद SP से इस मामले में 10 बार बात हुई, आज सुबह भी SP साहब से मेरी ये बात हुई है। SP साहब ने पूरा आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द हम तय तक पहुंच लेवांगे और मैं मेरा गांव राम ने एक भरोसा दिवाऊं। अगर आपन लगे कि अब पुलिस कार्रवाई सही ढंग से नहीं कर रही, समय से नहीं कर रही, तो मेरा वादा है इस गांव राम गल्ला लाके चाहे वो मामला अपन DGP तक लेके जाना पड़े, चाहे मुख्यमंत्री तक जाना पड़े, इस मामले की पूरी तय तक पहुंच के हर गांव में दोबारा से शांति कायम करावांगे और प्रशासन ने पूरी मजबूती के साथ काम करने पर मजबूर कर देंगे। जो घटनाएं घटी हैं इन घटनाओं से एक बात तो तय है कि भाई जो हालात जो चल रहे हैं वो बड़े दुखदाई हालात हैं, क्योंकि मैं तो जो कुछ हूँ तारी वजह से हूँ। मैं पूरे बुडाना गांव ने और अपने समस्त इलाके ने एक बात का भरोसा दिलाऊं हूँ, मेरी सारी चाची ताइया ने, चाची ताऊआ ने, भाइया ने, इस परिवार के दुख की घड़ी में तो साथ खड़े हैं। क्योंकि मैं तो कई बार उस घर में उस घर का दाना पानी भी खा लिया, सुशील के साथ भी निजी संबंध है, सारे परिवार के लिए संबंध है, तो उस परिवार के तो दुख की घड़ी में साथ आए, पूरे गांव के साथ लग के इस मामले की तय तक पहुंचाएंगे और प्रशासन ने मजबूर कर देंगे कि भाई जल्द से जल्द प्रशासन कार्रवाई करे। हमने जो ये दोनों के दोनों घटनाएं गांव में घटी हैं, इन दोनों के दोनों दोषियों को जल्द से जल्द गांव के इलाके के शाम मिला के उन्हें सजा देने का, कठोर से कठोर सजा देने का काम करें। धन्यवाद।